दर्जनों बीमारियों को दूर करने वाला एवोकाडो फल अब हमीरपुर में भी मिल सकेगा। हमीरपुर के प्रगतिशील बागवान प्रवेंद्र कुमार ने एवोकाडो पौधा तैयार करने में सफलता हासिल की है और पिछले 1.5 सालों से कड़ी मेहनत से एवोकाडो पौधों को तैयार किया है, जिसके आगामी दिनों में बेहतर परिणाम आएंगे तो एवोकाडो फल का स्वाद भी मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रविंद्र कुमार ने एवोकाडो फल की नर्सरी भी तैयार करने में सफलता पाई है, जिसको लेकर अभी तक बागवानी विशेषज्ञ भी ऐसा करने में सफल नहीं हो सके थे। प्रविंद्र कुमार ने अपने निवास स्थान लाहलड़ी में ही घर के पास ही नर्सरी का काम किया जा रहा है। प्रविंद्र कुमार को काफी समय से बागवानी और कृषि में नए नए प्रयोग करने का शौक है। इसी के चलते इस बार प्रविंद्र ने एवोकाडो पौधा लगाने की सोची और इसमें भी सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार मेक्सिको और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले एवोकाडो पौधों को लेकर कई राज्यों में ट्रायल ही चला हुआ है और हिमाचल के हमीरपुर में भी एवोकाडो पौधों को लेकर बागवानी विशेषज्ञ ट्रायल कर रहे हैं। हमीरपुर के किसान प्रविंद्र कुमार के द्वारा 1.5-2 सालों से पौधों को उगाया है तो इस पौधे की नर्सरी भी तैयार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रविंद्र कुमार गत 5 साल पहले ग्राफ्टिंग करके आलू के पौधों पर टमाटर उगाकर सभी को हैरान कर दिया था और टमाटर के पौधों पर बैंगन उगा दिए थे, जिसके चलते ही तत्कालीन कृषि मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया ने भी कृषि अवार्ड देकर सम्मानित किया था। बागवान प्रविंद्र कुमार ने बताया कि अपने भाई से एवोकाडो के पौधे लिए थे और घर के साथ लगाए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ओलावृष्टि में भी कुछ पौधे खराब हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ पौधे सफल हो पाए हैं और अच्छी हालत में हैं। उन्होंने बताया कि एवोकाडो की नर्सरी भी तैयार हो रही है। एवोकाडो का पौधा जो है ना, वो उसका जो फल है वो काफ़ी बीमारियों को मतलब ठीक करता है। तो उसका जो मतलब सीड था वो हमारे गांव के राजकुमार जो वो इलेक्ट्रिसिटी में लगे हैं, तो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करवाया था। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये फल जो है वो काफ़ी बीमारियों को उठाता है। तो मैं नर्सरी का काम करता हूँ पिछले 1.5-2 साल से, तो मैंने उसको बड़ी अच्छे तरीके से उगाया। मेरे पास 10 फल आए थे वो, और 10 के 10 फल मैंने तैयार किए और काफ़ी अच्छा मतलब उसका ये रहा। लेकिन पीछे कुछ ज़्यादा ओलावृष्टि की वजह से, जो पीछे ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, तो उस वजह से कुछ पौधे वो ख़राब हो गए थे। लेकिन अभी भी मेरे पास 5-7 पौधे बचे हैं और 10-12 सीड्स मैंने दोबारा लगा दिए हैं, और इसका काफ़ी अच्छा मतलब ये है। और ये हिमाचल में जो है इसकी इतनी संभावना नहीं है, लेकिन इसको मैंने तैयार किया हुआ पिछले 1.5 साल से। उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है, तो वहाँ ठंडा इलाका है, लेकिन हिमाचल में भी मतलब इसका मतलब जब तैयार किया मैंने, तो रिस्पॉन्स मिला कि ये यहाँ तैयार हो सकता है। पौधे की देखभाल जो सही ढंग से की जाए तो मतलब और अच्छा इसका रिजल्ट है, काफ़ी मतलब ये तैयार हो रहा है बड़े अच्छे। और मैं हर इस हफ्ते इसकी मैं देखभाल करता हूँ, इसके कोई जैसे कि पानी की प्रॉब्लम या मतलब इसको जो फर्टिलाइज़र वगैरह क्या क्या देना, तो हिसाब से मैं इसकी सेवा करता रहता हूँ ताकि मैं इसको अच्छी ढंग से तैयार कर सकूँ। पालमपुर में बात की थी, हमारे एक सर हैं, नाम नहीं मेरे को पता, लेकिन उनसे मैंने बात की थी कि मैंने ये तैयार किया हुआ, और उन्होंने भी मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया था कि आप करो और सही ढंग से इसका मतलब आगे। मुझे पूरा मतलब यकीन है कि इसको मैं सक्सेस करूँगा, और काफ़ी मतलब प्लांट मैंने पहले तैयार कर दिए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो जो ज़्यादा ओलावृष्टि हुई अगर उसमें वो बच जाते तो आज काफ़ी बड़े वो प्लांट बन जाए। प्रवीण जी, आपने एक बार एक बेल पे कोई 2-3 चीज़ें की आइटम उगाई थी, क्या था वो, थोड़ी सी शेयर करिए बात। वो उसमें ऐसे होता है कि जैसे कि किसी बेल पे मतलब उसको ग्राफ्टिंग वगैरह बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले 5-6 साल पहले मैंने आलू के ऊपर टमाटर तैयार किया था, और भी ट्रायल में करता रहता हूँ, तो उसमें काफ़ी मतलब ये था, अच्छा रिजल्ट था उसमें, जैसे कि मतलब एक ही इसमें मतलब 2-2 फसलें मतलब तैयार कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला उसका। और आगे भी मैं और ट्रायल मार रहा हूँ, अभी मैं जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं इसको मतलब शेयर ज़रूर करूँगा।
वहीं बागवान प्रविंद्र कुमार के द्वारा एवोकाडो पौधों को उगाए जाने पर लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। स्थानीय निवासी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एवोकाडो फल हमीरपुर में मिलेगा और प्रविंद्र की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने नर्सरी का भी काफी विस्तार किया है और अपने घर में ही जो इनकी जमीन है उसमें उन्होंने प्लांट अच्छे तैयार किए हैं, जैसे अश्वगंधा है और दूसरे औषधीय प्लांट है, जैसे कि बहेड़ा है, आंवला है और नागफली है। तो ये सब पौधे जो हैं ये परविंदर सिंह जी ने अपने घर में पैदा किए हैं। क्या कहेंगे, जैसे दूसरे युवा भी हैं, क्या संदेश होगा इसमें? हाँ, मेरा संदेश ये है कि हम प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमारी सबसे उम्मीद है कि वो भी इस कुदरत के साथ जुड़ें और प्लांट तैयार करें ताकि उनको रोजगार के साधन भी बने। वो बहुत अच्छा प्लांट है, ये हमारे यहाँ लगाया हुआ है, इसके और बहुत सारे फायदे हैं। ये पहले बार उत्तरी अमेरिका वगैरह में होता था, अब यहाँ है तो हमें बड़ी खुशी है कि चलो हमारे यहाँ भी हो गया है। तो और इससे बहुत सी बीमारियाँ, ये बहुत सी बीमारियों के काम आता है, जैसे विटामिन वगैरह के, और ये हमें बहुत खुशी है कि हाँ यहाँ पर लगा हुआ है। एवोकाडो फल खाने से कैंसर के इलाज से लेकर मधुमेह बीमारी, वजन घटाने, दिल की बीमारी, ताकत, ब्लड प्रेशर, विटामिन ए बी ई के साथ फाइबर, मिनरल और प्रोटीन से भी भरपूर होता है। एवोकाडो एक पॉपुलर सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। जिला उद्यान विभाग की खंड विकास अधिकारी मोना सिंह का कहना है कि एवोकाडो पौधों के बहुत फायदे हैं और इसके प्रयोग से कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एवोकाडो के पौधे मेक्सिको में पाए जाते हैं और हिमाचल में भी अब कई बागवान इसके शौकीय तौर पर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग के द्वारा आगामी दिनों में एवोकाडो पौधों को उगाने के लिए काम किया जाएगा ताकि बागवान इससे लाभान्वित हो सकें। फल के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है एवोकाडो। इसका जो साइंटिफिक नेम है पर्सिया अमेरिकाना और ये लॉरेसी फैमिली का एक पौधा है और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो मेक्सिको में हुआ था। मुख्यतः इस फल को हम एलिगेटर फ्रूट या बटर फ्रूट, मक्खन फ्रूट के नाम से भी जानते हैं और मुख्यतः इसकी जो लंबाई होती है ये 65 फुट तक ऊँचा होता है और इसकी जो स्किन होती है जैसे मैंने बोला मगरमच्छ एलिगेटर की जैसी होती है, हार्ड होती है। साइड और कीटनाशकों का प्रभाव जो है वो इस पे कम पाया जाता है। इसकी जो मुख्य वैरायटी जो है इसकी वो ग्रैनी क्रीमी हैश वैरायटी है जो मुख्य रूप से उगाई जाती है। इस फ्रूट के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, आमतौर पर ये मुख्यतः सलाद के रूप में खाया जाता है ये फ्रूट और इसमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, तांबा, मैग्नीज वगैरह अधिक होने के कारण इसमें फैटी एसिड्स जो हैं वो एक उसका भी अच्छा स्रोत है। शुगर इसमें कम मात्रा में पाया जाता है इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अन्य फायदे जैसे इसमें इसे कॉन्स्टिपेशन में लिया जाता है और उसमें ये हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने में। त्वचा और बालों के लिए भी, की देखभाल के लिए भी ये एक अच्छा फ्रूट है। इसके अतिरिक्त हार्ट अटैक का खतरा जिनको लोगों को होता है उन्हें ये फ्रूट खाना चाहिए, ये हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करता है। इसमें कैरोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। मुँह से दुर्गंध जिनको आती है तो उस दुर्गंध को भी ये फ्रूट जो है कम करता है। डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसको ले सकते हैं क्योंकि ये उनके डायबिटीज के रिस्क को जो है वो कम करता है। तो काफ़ी सारी इस पौधे की जो है वो काफ़ी, इस फल की जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है ये और हमें ये फ्रूट कमर्शियल स्केल पर हिमाचल में उगाना चाहिए। मैडम अगर माने तो हिमाचल के हमीरपुर की बात करें, यहाँ पे भी एक किसान है, उन्होंने फ्रूट की जो प्लांट्स तैयार कर लिया है, तो क्या मानते हैं एटमॉस्फेयर अच्छा है इस प्लांट के लिए, कैसा रहेगा? वैसे अभी ये जो पौधा है वो काफी लोगों ने मतलब एक अपने घरेलू घर में एक आधा या दो पौधे तो लगाए हैं पर कमर्शियली अभी हिमाचल में ये पौधा नहीं देखा गया है। लेकिन हम आने वाले टाइम में इसको मतलब कमर्शियल स्केल पे फार्मर्स इसको लगा के फायदा ले सकते हैं।